हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ आशू एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फूडी AKD। आप सबका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगी कि कश्मीरी दम आलू कैसे बनाते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम जो लेंगे, हम लेंगे आलू लेंगे कितने, तो आज हम बनाएंगे कश्मीरी दम आलू। और उसके लिए मैंने लिए हैं ये 1.5 kg आलू। तो सबसे पहले इनको हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो अब हमने इनको धो लिया है, तो अब हम इनको कुकर में डालते हैं, इनको थोड़ा उबाल देते हैं। अब डालते हैं पानी। इसमें हमने हाफ जग जो है पानी का डालना है, और जैसे थोड़े ये पानी आलू से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। इसमें फिर एक चम्मच मैं नमक भी डालती हूँ, ये नमक नहीं है। अब रखते हैं इसको गैस पर। चलो इसको सीटी लगने देते हैं थोड़ी सी, तो जब जब पक जाएंगे फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। वेलकम बैक अगेन। तो हमारे आलू हो गए हैं, तो अब इनको इनका छिलका उतार लेते हैं हम। ये थोड़े ज़्यादा ही गल गए हैं, कुछ ज़्यादा सीटी होगी, पर चलो ठीक है। तो ये रहे इनके छिलके, निकाल लिए हमने। चलो अब हम आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले इनको हम फ्राई करेंगे अच्छे से, तो उसके लिए डालते हैं तेल। तेल इतना डालना है जिसने में ये थोड़े तल जाए। चलो तो अब हम तलते हैं आलूओं को, क्योंकि तेल अच्छे से गर्म हो गया। अब इनको अच्छे से भुनने देना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते, अच्छे से तेज़ आंच पे। जैसे ये देखिए, ये डालते ही अच्छे से हो गया गोल्डन ब्राउन कलर का हो गया ये वाला आलू। तो अच्छे से पकने देना है इनको, ताकि गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाएं। अच्छे से भुनने देना, ताकि ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाएं।
अब हमने आलू रख लिए हैं, वो वहाँ पे पक रहे हैं, तो इसके लिए हम मसाला तैयार करते हैं। तो इसमें मैंने रखा है एक बड़ी इलायची, दो हरी इलायची और एक लौंग। तो हम इसको क्या करेंगे, पीस लेंगे थोड़ा सा। और ये हो गया है, तो अभी हम अपने आलू देख लेते हैं। हमारे आलू जो हैं वो गोल्डन ब्राउन हो गए, चलो इनको निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से ये भुने हुए हैं, बिल्कुल ब्राउन कलर के हो गए हैं। आगे हम तेल थोड़ा ज़्यादा है तो हम एक काम करते हैं, इसका तेल जो थोड़ा निकाल लेते हैं, बहुत ज़्यादा है ये। चलो तो अब शुरू करते हैं आगे। हमने तेल जितना चाहिए था हमने उतना रखा है, बाकी निकाल दिया। तो हम इसमें डालेंगे अभी हमारी एक बड़ी इलायची और तीन ग्रीन इलायची और एक जो लौंग हमने थोड़ा मैश किया था, तो अब उसको डालते हैं इसमें। इसके साथ ही हम डालेंगे दो बे लीव्स और इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी हींग। हींग बहुत अच्छी जाती है इसके साथ, बहुत ही स्वादिष्ट होती है। अब ये डाल दिया हमने, तो अब हम डालेंगे इसमें कश्मीरी लाल मिर्च और आगे डालेंगे हम कश्मीरी लाल मिर्च। ये लाल मिर्च जो है ये तीखी नहीं होती है, पर हाँ कलर बहुत अच्छा देती है, बहुत ही अच्छा कलर होता है। इसमें डालूँगी मैं दो चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, फिर डालूँगी मैं इसमें सौंफ, ये पिसी हुई सौंफ है, तो आप इसमें जितना डालो ये उतनी टेस्टी होगी। और फिर डालेंगे इसमें हम जिंजर ड्राई पाउडर, ड्राई होती है ये, सौंफ बोलते हैं इसको, तो हम ये डालेंगे इसमें। अब थोड़ा सा इसको ला लेते हैं। अब जो हमने आलू हमने फ्राई कर रखे हैं वो डालेंगे इसमें। अब ये हो गया, अच्छे से इनको मसाले में मिलाते हैं। वाह, तो चलो हम डालते हैं इसमें थोड़ा सा दूध। सभी लोग दूध नहीं डालते हैं या दही डालते हैं, कुछ दूध डालते हैं। दूध हम थोड़ा सा इसलिए डाल रहे हैं इसमें क्रीमीनेस लाने के लिए, तो इसको हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा जैसे हाफ कटोरी या उससे भी कम थोड़ा दूध डाल सकते हैं। दूध डालो या दही डालो, दो में से एक आप डाल सकते हो अपने हिसाब से। तो मैं जो है वो मैं दूध डालती हूँ, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा चाहिए क्योंकि इसको थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर देने के लिए। बस इतना सा डालना, मैंने हाफ कटोरी डाली, हाफ भी नहीं है ये, इतनी सी ही है। उसको नीचे से उतार, अब ये हो गया। तो अगर आपको इसमें थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए तो उतना सा ही पानी डालो जितनी सी आपको ग्रेवी चाहिए, ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं डालूँगी थोड़ा सा ही इसमें पानी बस, ताकि ये बिल्कुल जब अच्छे से पक जाए थोड़ी सी ही बचे। चलो अभी इसको हम 10 से 15 मिनट जो है अच्छे से इसको पकने देंगे, फिर उसके बाद ये हमारे दम आलू जो हैं वो बन के रेडी हो जाएंगे। वेलकम बैक अगेन, मेरे दम आलू जो हैं वो पक रहे हैं, क्योंकि अभी उनको सिर्फ पकने के लिए 50 मिनट्स चाहिए, तो वो रेडी हो जाएंगे खाने के लिए। आज मैंने दम आलू के साथ साथ मैंने बनाया है, बनाना है साथ में मीठे में कुछ बनाना है, तो मीठे में मैं बना रही हूँ आज माल पोहे। तो माल पोहे बनाने की जो विधि है वो बहुत सिंपल है, तो मैंने इसका बैटर जो है बनाया, जो होता है वो फर्मेंट होने के लिए आपको थोड़ा रखना पड़ता है, तो मैंने इसको रात को ही
फर्मेंट होने के लिए रख दिया था, तो ये बन गया है। इसके लिए मैंने सिर्फ एक कटोरी लिया था मैदा, एक कटोरी ली मैंने इसके लिए सूजी, और हाफ कटोरी मैंने चीनी ली है और सौंफ डाली है इसमें। तो आप देख सकते हैं ये है उसका बैटर कुछ इस तरीके से है, जो बन चुका है ऐसे है। तो अब मैं इसके लिए जो है तेल गरम कर दिया है, तो अभी हम शुरू करते हैं अपने मालपोहे बनाना। वाह, अभी चटनी अच्छे से पक रही है, तो पलटने की ज़रूरत है, तो थोड़ा सा पकने देते हैं। वाह, ये तो पहले वाले से बढ़िया बना, अब देख सकते हैं। मालपोहा तो अब हमारे दम आलू और मालपोहे बनके तैयार है। तो देखिए एक लुक दीजिए, ये रहे हमारे दम आलू और ये रहे हमारे मालपोहे। तो चलो इनको टेस्ट करके देखते हैं कि कैसे बने हैं ये और किस तरह का टेस्ट है मेरा। तो सबसे पहले जो है हम पहले दम आलू को टेस्ट करेंगे कि दम आलू कैसे बना है। देखते कैसा बना है, टूट बहुत टेस्टी बना है दम आलू। चलो अब आलू हो गए, दम आलू हो गए हमारे, तो अब हम ट्राई करेंगे हमारे मालपोहे। तो ये रहा हमारा मालपोहा, बहुत क्रंची बने हैं ये। बहुत क्रंची और टेस्टी है, मीठा ज़्यादा नहीं है, जितना मैं चाहती हुई थी उतना ही है, ज़्यादा नहीं है। दोनों चीज़ें बहुत अच्छी बनी हैं। तो मैं इनकी रेसिपी जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप प्लीज़ वहाँ पे जाकर चेकआउट कर लीजिएगा और मेरी वीडियो को प्लीज़ देखिएगा ज़रूर, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दोबारा मत भूलिएगा, क्योंकि उसी से तो आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा कि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ओके देन, बाय बाय।